हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 5, द हैप्पी प्रिंस के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज़ ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? तो कोर्टियर्स होते हैं दरबारी। तो जो दरबारी होते हैं वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों बोलते हैं? क्या वो सचमुच हैप्पी था? और वो जो प्रिंस था वो अपने चारों ओर क्या देखता था? तो देखिए, इसका आंसर है, ही वॉज अ प्रिंस वैन ही वॉज अलाइव। तो एक स्टैच्यू है इस पोएम में ना, सॉरी, ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी, प्रिंस का एक स्टैच्यू बनवाया हुआ है। तो जब प्रिंस जिंदा था तब तो है वो हैप्पी था। बीइंग अ प्रिंस ही नेवर न्यू सॉरो एंड सफरिंग। वो एक प्रिंस था, एक वो था ना, राजकुमार था, तो कभी उसे कोई सॉरो, कोई सफरिंग, दुख के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। सो द कोर्टियर्स कॉल हिम हैप्पी प्रिंस। तो वो दुखी नहीं रहता था, खुश रहता था, इसलिए कोर्टियर्स उसे हैप्पी प्रिंस बोला करते थे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन रियल सेंस एज हिज हार्ट कुड फील द मिजरी ऑफ नीडी पीपल। मतलब वो पूरी तरीके से हैप्पी भी नहीं था, क्योंकि उसका जो दिल था वो जो नीडी लोग थे, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनकी मिजरी का मतलब होता है दुख, उनके दुख को वो समझ सकता था। ही सॉ द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ पीपल अराउंड हिम। और वो जो है लोगों की जो मिजरेबल कंडीशंस, जो बुरी हालत थी, उसको वो देख पाता था। कब? जब उसकी डेथ हो गई थी, आफ्टर हिज डेथ एंड व्हेन द स्टैच्यू ऑफ हिम वॉज लेट, जब उसका स्टैच्यू बना दिया गया था और उस स्टैच्यू के थ्रू वो पूरे शहर को देख पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस? व्हाट डज द सॉलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? तो देखिए, सीमस्ट्रेस कौन थी ये हम देखेंगे। सॉलो तो एक बर्ड था। तो इसका आंसर है, द सीमस्ट्रेस वॉज टायर्ड ड्यू टू वर्क। तो सीमस्ट्रेस जो थी ना, वो कढ़ाई करने वाली एक विमेन थी और वो काफ़ी थक चुकी थी अपने काम की वजह से, ओवरवर्क, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट बाय ऑरेंजेस फॉर हर लिटिल सिक सन। और वो इतनी गरीब थी कि वो अपने छोटा जो उसका बेटा था उसके लिए, मतलब उसका छोटा बेटा जो कि बीमार था, उसके लिए वो ऑरेंजेस नहीं खरीद सकती थी। हर सन वॉज थर्स्टी, उसका जो सन था वो थर्स्टी था। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। द हैप्पी प्रिंस सॉ द पुअर लेडी एंड हर सन। हैप्पी प्रिंस ने पुअर लेडी को और उसके बेटे को देखा। ही फेल्ट पिटी फॉर हिम। और फेल्ट पिटी का मतलब होता है उसे काफ़ी दुख हुआ, हैप्पी प्रिंस को काफ़ी दुख हुआ उस औरत को और उसके बच्चे को देखकर। सो ही सेंट अ रूबी फॉर हर। द सॉलो came to the poor woman's house and laid the ruby on the table beside her. तो हैप्पी प्रिंस को काफ़ी दुख हुआ उस औरत को और बच्चे को देखकर। तो एक रूबी था उसके स्वॉर्ड में, उसकी तलवार में एक रूबी था ना, तो उसको भेज दिया कि भाई इसको दिया और इससे इसका मतलब ही दुख दूर हो जाएगा, कुछ पैसे वगैरह इसको मिल जाएंगे। तो सॉलो जो कि एक बर्ड था वो गया पुअर वुमेन के हाउस में और रूबी को उसके टेबल पर रख दिया। द बर्ड फैंड द बॉयज फोरहेड विद द विंग्स एंड फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस। और बर्ड ने फैन किया, मतलब अपने परों को छटाया जिससे हवा आई बॉय के माथे पर, और जो हैप्पी प्रिंस के पास वो सॉलो बर्ड वापस आ गया। नेक्स्ट है, फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई? सफायर्स प्रिंस ने किसके लिए भेजे थे और क्यों भेजे थे? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, द प्ले राइट वॉज वेरी पुअर। तो सफायर भेजे थे हैप्पी प्रिंस ने प्ले राइट के लिए, वो काफ़ी पुअर था। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ बाइंग फूड एंड फायरवुड। तो काफ़ी ज़्यादा उसको एक प्ले लिखना था, काफ़ी ज़्यादा सर्दी में वो काम कर रहा था, मगर उसके पास खाने के और लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। तो द प्रिंस सेंड द सफायर्स फॉर द प्ले राइट। प्ले राइट का मतलब होता है जो प्ले लिखते हैं ना लेखक। सो दैट ही कुड फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर इन द टाइम। तो जिस ताकि वो टाइम पर ख़त्म कर सके थिएटर के लिए प्ले, इसलिए प्रिंस ने उसके लिए क्या भेज दिया, सफ़ायर। सफ़ायर एक तरीके का ना पत्थर होता है जो काफ़ी महंगा बिकता है। द प्रिंस सेंड हिज सेकेंड सफ़ायर फॉर द पुअर मैजिकल। पुअर मैजिकल के लिए उसने दूसरा सफ़ायर जो कि उसकी आंखें थी उनको भेज दिया था। हर मैचेस हर फेल्ड इनटू द गटर। उसकी जो मैचेस थी, तीलियां थी, वो उसमें गिर गई थी गटर में। शी वॉज एफ्रेड दैट हर फादर वुड बीट हर फॉर दिस लॉस। और उसको लग रहा था उसके फादर उसे मारेंगे क्योंकि उसने गटर में गिर गई हैं जो उसकी मैचेस थी। सो शी वॉज हेल्प बाय प्रिंस बाय सेंडिंग हर सेकेंड सफ़ायर। तो सेकेंड सफ़ायर प्रिंस ने भेज दिया ताकि उस गर्ल की हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द सॉलो सी
वॉट डज द सोलो सी वैन इट फ्लू ओवर द सिटी. सोलो ने क्या देखा जब वो पूरे सिटी में घूमा. तो द सोलो सॉ ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल. सोलो ने हर तरह के लोगों को देखा. ही फाउंड द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज. उसने देखा कि रिच जो है काफ़ी खुश हो रहे हैं अपने सुंदर घरों में. एंड बैगर बैगिंग सिटिंग एट द गेट्स. और बैगर्स जो हैं भिखारी जो हैं वो गेट्स पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं. ही ऑल्सो सॉ अ ग्रुप ऑफ वेंडरिंग चिल्ड्रन हु वर पॉवर्टी स्टिकन. और वेंडरिंग चिल्ड्रन मतलब उसने घूमते हुए बच्चों को भी देखा जो पॉवर्टी स्टिकन थे. मतलब जो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी. उसने काफ़ी सारे गरीब बच्चों को भी देखा, भिखारियों को भी देखा और उन रिच लोगों को भी देखा जो अपने खूबसूरत घरों में रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द सोलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट. सोलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और इजिप्ट क्यों नहीं चला गया. तो इसका आंसर है एट फर्स्ट. यहाँ पे देखिए, एट फर्स्ट सोलो वॉज विलिंग टू गो टू इजिप्ट जस्ट आफ्टर डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली. तो उसने अपने काम कर दिए थे जो प्रिंस ने गए थे, फिर वो इजिप्ट जाने वाला था. बट वेन ही सॉ प्रिंसेस एक्टिविटीज ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस ही गॉट इम्प्रेस्ड. बस जब उसने देखा कि प्रिंस कितनी चैरिटी करता है, कितना काइंड है, कितना अच्छा है सारे लोगों के साथ, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गया. कौन? सोलो द बर्ड. ऑन द अदर हैंड नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड ड्यू टू डीड्स ऑफ चैरिटी. एक तो उसने ये देखा कि प्रिंस कितना अच्छा है, मगर उसने सफ़ायर जो कि उसकी आँखें थी वो भी हैप्पी प्रिंस ने दान कर दी है ना, उससे क्या हुआ, वो ब्लाइंड हो चुका था. इन दिस कंडीशन ही कुड नॉट लीव द प्रिंस हेल्पलेस. और अब जो अंधे प्रिंस को वो हेल्पलेस तो नहीं छोड़ सकता था है ना, वो सोलो बर्ड जो था. सो ही गेव अप आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस. तो उसने डिसाइड किया कि वो इजिप्ट नहीं जाएगा अब, और वो प्रिंस के साथ रहेगा, उसकी हेल्प करेगा हर चीज़ में, उसके सर्व करेगा प्रिंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट आर द प्रेशियस थिंग्स मैंशनड इन द स्टोरी. वाई आर दे प्रेशियस. प्रेशियस मतलब कीमती चीज़ें क्या बताई गई हैं स्टोरी में और वो कीमती क्यों हैं. तो देखिए इसका आंसर है, द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड सोलो आर द टू प्रेशियस थिंग्स मैंशनड इन द स्टोरी. तो लेडन हार्ट मतलब जो वो वाला हार्ट होता है ना, उसका बना हुआ लेड का, तांबे का बना हुआ जो हार्ट था हैप्पी प्रिंस का, और जो मरी हुई बर्ड थी सोलो था, वो सबसे प्रेशस. प्रेशस का मतलब होता है कीमती. सबसे कीमती चीज़ें थी जो कि स्टोरी में बताई गई हैं. दे आर प्रेशस एज दे डिड वेरियस डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर्स. तो वो चीज़ें प्रेशस क्यों थी, कीमती क्यों थी, क्योंकि उसने उन चीज़ों ने, इन दोनों ने, बर्ड ने और हैप्पी प्रिंस के हार्ट ने बहुत ज़्यादा मदद की थी लोगों की, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी और दूसरों के लिए उनकी दोनों की खुद की डेथ हो गई थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वॉलोस द लिटिल स्वॉलो सेज इट इज़ क्यूरियस बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड. हैव यू एवर हैड सच अ फीलिंग, शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स. तो मतलब एक स्टोरी इस तरीके की आपको बनानी है कि जो लिटिल स्वॉलो होता है बर्ड, वो कहता है कि ये बहुत ही क्यूरियस अजीब सी बात थी कि उसको इतनी ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा था. क्या आपको ये कभी फीलिंग हुई है, तो वो बताना है. तो देखिए इसमें बताया गया है, स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं, मैन इज़ अ सोशल एनिमल. ही इज़ सोशल बिकॉज ही इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू लीड अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ. मैन सोशल एनिमल है. इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हम लोग दूसरे लोगों के साथ मिलके रहते हैं, और सोशल इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे के पे डिपेंड करते हैं ताकि हमारी लाइफ सही से चल पाए. इन दिस रिगार्ड म्यूचुअल हेल्प इज़ रिक्वायर्ड. और एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे की मदद की भी ज़रूरत होती है. वेन एवर वी हेल्प अदर्स देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन की एक अच्छी सी फीलिंग आती है. वेन एवर वी आर हेल्प्ड बाय अदर्स वी फील ग्रेटफुल. और जब दूसरे हमारी मदद करते हैं तो भी हमें बहुत ही ग्रेटफुल, मतलब आभार हमें लगता है कि वाओ किसी ने हमारी मदद की है. इट इज़ बिकॉज हेल्पिंग अदर्स इज़ एसेंस ऑफ लाइफ. क्योंकि एसेंस ऑफ लाइफ है, हम दूसरों की हेल्प किए बिना, दूसरों की हेल्प लिए बिना हमारे लिए जीना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. अगर आप सोचते हैं कि आप किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, तो छोटी सी बात सोचिए, आपकी मम्मी या आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या करते हैं, क्या आप उनकी हेल्प नहीं लेते हैं? आपके टीचर्स आपकी कितनी हेल्प करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके कितनी हेल्प करते हैं. हम लोग किसी की हेल्प के बिना, ह्यूमन बींग्स एक दूसरे की हेल्प के बिना, हमारा रहना तो बहुत मुश्किल है. तो इसलिए इन दिस चैप्टर लिटिल सोलो फील वॉर्म्थ वैन ही हेल्प्स द नीडी पीपल. तो वॉर्म्थ मतलब उसे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा महसूस करता है वो जब वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है. ही डज हिज एक्ट ऑफ सेल्फिश
सर्विस सेल्फलेस सॉरी सेल्फिश नहीं सेल्फलेस ही डज दिस एक्ट ऑफ सेल्फलेस सर्विस विद अटमोस्ट डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस. और ये सर्विस जो लोगों की मदद करने का काम करता है अटमोस्ट डेडिकेशन पूरी दृढ़ इच्छा से और पूरे सेक्रीफाइस के साथ अच्छे तरीके से उन लोगों की हेल्प करता है. ओइंग टू दिस सेल्फलेस सर्विस ही बिकेम सेटिस्फाइड. और फिर इस वजह से ही वो सेटिस्फाइड हो गया था क्योंकि वो दूसरों की कितनी मदद करता था. फिर अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो आप बता सकते हैं. तो येस आई हैव एक्सपीरियंस्ड सच अ फीलिंग मैनी टाइम्स. कई बार आपने शायद एक्सपीरियंस की होगी जब आपने दूसरों की मदद की होगी. आई बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स. आप ऐसे लिख सकते हैं अदर्स टू हेल्प मी वेन एवर आई एम इन नीड. दूसरे भी मेरी मदद करते हैं जब मेरे को उनकी ज़रूरत होती है. आई हेल्प अदर्स कंसिडरिंग इट माई ड्यूटी. और मैं दूसरों की मदद करता हूँ ये समझ के कि ये मेरा मतलब अधिकार आप कह सकते हैं कि मेरी ड्यूटी है मेरा कर्तव्य है मुझे करना चाहिए. आई रिमेंबर द डे वेन आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स. Since that day, I feel more confident and have become a successful citizen. I feel presence of God around me. मतलब जब से मैंने दूसरों की मदद करनी शुरू करी है तब से मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है और मुझे लगता है भगवान मेरे आसपास है. तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए. जल्दी ही मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगी आज या कल तक. तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा. थैंक यू.